नमाज पढ़ाने के बाद लोगों ने मुझे मना कर दिया, ये आए थे वहां पर मना करने के लिए अंकित कुमार, उन्होंने कहा आप नमाज क्या खूब पढ़ते हैं यहाँ पर, मैं कहा नमाज हमारा खाना नमाज पढ़ाते हैं, क्या आप नमाज नहीं पढ़ेंगे? उसके बाद आज किस को लेकर के बैठक बुलाई थी और क्या फैसला हुआ? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बिना किसी आदेश के और सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के ताजमहल में जो 5 वक्त की नमाज होती है, जब तक ताजमहल खुलता है और खुलने से लेकर के बंद होने का जो भी टाइम होता है, इमाम साहब हमारे नमाज पढ़ाते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नियुक्ति पत्र दिया हुआ है इमाम का, उनका उन्होंने 3 तारीख को आकर के उन्होंने आकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुप्रिंटेंडेंट थे और अधिकारी थे, उन्होंने ताजमहल में इमाम साहब को नमाज पढ़ने से और पढ़ाने से रोक दिया। इसके विरोध में आज यहाँ पर मीटिंग हुई है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है, हमने उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हमें दिखाया जाए, उन्होंने कोई आदेश नहीं दिखाया। यहाँ की जनता को, यहाँ के अधिकारियों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गुमराह कर रही है ताजमहल सुप्रीम कोर्ट के नाम पर। आज रहा सोमवार वाले दिन 11 बजे प्रातः विभाग के ऑफिस से हम सब लोग जो आगरे के मुसलमान एक वहाँ पर जो धरना देंगे और इनसे ये पूछेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है तो आप हमें बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आदेश दिया है आपको नमाज बंद करने का, इस आदेश को आप हमें बता दीजिए, हम इसको बंद कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर हमारी नमाज को जो है वहाँ पर जो जिस तरीके से परंपरा तरीके से चली आ रही है वो नमाज पढ़ने दीजिए, समझे? नमाज चालू करिए आपको लोग पढ़ा पड़े लोग प्रसाद। कितनी सैलरी मिलती है आपको? महीना हुकूमत से मिलता है, हुकूमत से मिलता है, हुकूमत ASI तरफ से, और ASI अब रोक रहा है। और परमिशन हम दे रहे हैं, आपके पास कोई कागज आया? नहीं, आपके पास कोई कागज आया है कि नमाज नमाज नहीं पढ़ाएंगे इसको लेकर के? जो जाकर जो आपका जो है हमारे कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, उन्होंने कोई लेटर दिखाया आपको? नाम क्या आपका? राजकुमार नाम है। आपका नाम? सैयद सादिक अली।